कमला नेहरू नगर स्लम क्षेत्र पटना नगर निगम में किन्न समाज द्वारा संचालित संस्थान दोस्ताना सफर के द्वारा निर्मित रियूजेबल मेंस्ट्रुअल पैड मास्क तथा साबुन 600 बालिकाओं एवं महिलाओं के बीच वितरित किया गया। दोस्ताना सफर की संस्थापक सचिव रेशमा प्रसाद ने कहा, पीरियड शर्म नहीं है, पीरियड को न छुपाना है न दबाना है, पीरियड नहीं तो यह दुनिया नहीं है, शरीर का खून कभी गंदा नहीं हो सकता। संबंधित है ना? कितने लोग पैड का उपयोग करते हैं? इसमें कपड़े का उपयोग तो नहीं ना कोई करता है? थोड़ा हाथ नीचे कर दीजिए। कपड़े का उपयोग कोई नहीं ना करता है? कपड़े का उपयोग? खड़े हो जाओ। क्या बोला आपने? नहीं, हंसने की बात नहीं, अपने हाथ उठाए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हमारे लिए वही हमारी बहनों का हमारे लिए आशीर्वाद है, ठीक है। अब ऐसे ही साइलेंट रहना है कि अगर सुई गिरे तो पता चल जाए कि छोटा की सुई गिरा करके कोई दलवासी कर रहे हैं। ये जो आज कहने आई है, आप यकीन मानिए या गुस्सा उनके मारे या कोई जानकारी के अभाव में हम लोगों को नहीं मिलता है। मिलता है, कोई नहीं कहता है। क्या पढ़िए आपकी जिंदगी है, आप बीमार पड़े या क्या पढ़े, सबको अपनी जिंदगी से गंदा नहीं करने दूंगी। ये तो हो गया जमीन का, हमारे शरीर, हमारा शरीर है, हमारा शरीर स्वच्छ और सुंदर बना रहे, उसके लिए हमारी जो रेशमा जी आई हुई है आपको बातें बताएंगी। बनाने के लिए पटना नगर निगम सहयोग कर रहा है, तो वो का पैसा रहेगा कि जैसे अभी कपड़ा आप लगाते हो तो बाहर की तरफ इस पे आता है और इस पे निशान आते हैं, तो वो जो कप रहेगा वो बाहर खून नहीं आएगा और उसी में इकट्ठा होगा, उसके बाद उसको साफ कर लेना रहेगा। गर्म भाई हम बनाएंगे, एक बार ले लेंगे,